हेलो फ्रेंड्स, माया परफेक्ट रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फूल मखानी और साबूदाने की रेसिपी। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और इसमें हम लेंगे कच्चे मूंगफली के दाने। जो मैंने थोड़े से कच्चे मूंगफली दाने लिए हैं, इसको हमें रोस्ट करना है इस तरह से फ्रेंड्स, और इसके अंदर से कच्चा पर निकल जाए और बाहर से इस तरह से ये छिलके अलग हो जाएंगे। इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको 4-5 मिनट के लिए ही इसको रोस्ट करना है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे फूल मखाने। तो मैंने 1 बाउल फूल मखाने लिए हैं, इसको भी हमें रोस्ट करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये भी एकदम अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। और ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज को इस तरह से चॉप कर लिए हैं फ्रेंड्स, और इनको हमें इस तरह से सिकाई करनी है जब तक ये सॉफ्ट और ब्राउन हो जाए तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च ली है, जो छोटे टुकड़ों में इस तरह से हमने कट करके रख लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसको मिलाएंगे और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से हमें सेकना है। अब इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ जीरा और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल के इनमें अब सिकाई कर ली है। अब हमने 2 टमाटर को इस तरह से पीस के इसकी प्योरी बना ली थी, वो इसमें डाल देंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से 4-5 मिनट के लिए। और 4-5 मिनट फ्रेंड्स हो गई है, देखिए। अब इसमें हम 2 बाउल पानी डाल देंगे, ये देखिए। और पानी डालने के बाद, पानी में अच्छे सा उबाल आने के बाद, इसमें हम डालेंगे फूल मखाने जो हमने रोस्ट किए थे, और इसमें डाल दिए हैं मूंगफली के दाने। ये साबूदाना मैंने 7-8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, और ये भी इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। और इसको मिलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें मिला के, और गैस का फ्लेम हम मीडियम में रहना है, और कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। इसमें थोड़े से हम डालेंगे किशमिश, अगर आपके पास बादाम हो तो आप बादाम भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से मिलाना है, और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो हमने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है, और इसको मिलाएंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और फ्रेंड्स, आप इसे बच्चों को देना खाने के लिए, तो ये एकदम प्रोटीन से भरपूर और टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरह की रेसिपी। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करना। जिस किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।